ସୁମନ 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 ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ ଚଲେଇ ଚାଲି ନେଇଯା। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है 21 अक्टूबर और टाइम अभी हो रहा है 6:30 AM इन द मॉर्निंग। सो आज हम लोग राइड कर रहे हैं हदगढ़ डैम, जो कि भुवनेश्वर से अराउंड 160-170 किलोमीटर दूर है। उस डैम पे एक्चुअली मैं लास्ट अगस्त में गया था और डैम वाकई बहुत ही सुंदर है, और इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कि हमको वहाँ पे जाना चाहिए। तो फाइनली आज हम लोग वहाँ पे राइड कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी मुझे पहुँचना है चा बिस्किट, फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे हदगढ़ डैम के लिए। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सो काफी सालों के बाद हमारे साथ राइड करने वाला है हितेश भाई। हर राइड में ऐसे बोले क्या? हर राइड में तो कब लास्ट टाइम राइड किया? लास्ट टाइम गए थे पूरी, गए थे भाई में से किया आ गया था। और आज हमारे साथ राइड करने वाला है खदीप भाई। यस, हर बार की तरह ये। आज हम लोग जा रहे हैं हदगढ़। हदगढ़ जा रहे हैं हाँ, और एंड वहां पे भी कुछ लोग वेट कर रहे हैं हमारा। सो होप टू मीट देम वेरी सून। जितना धीरे चलाएगा रैप्टर उतना लेट होगा, सही से चला। और भाई आज तो मोटरसाइकिल कौन तू खतरनाक चला रहा है, बहुत चेंज हो गया अभी तो। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग निकल रहे हैं हदगढ़ डैम के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। आप पहले हार्ले चलाते थे, अब चलाते हैं कावासाकी। पहले में क्या था और क्या हो गया? दोनों में फर्क क्या है? फर्क है उसमें नींद आता था, इसमें दिमाग कंप्यूटर। दो सिलेंडर दो सिलेंडर एक्स्ट्रा। सो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट डैम की तरफ। यहाँ से कितना दूर? यहाँ से 20-30 किलोमीटर का आई थिंक। कैसा है समर? बढ़िया। कैसे
यहाँ का जो इडली और घुगनी है मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मतलब कभी नहीं खाया, सीरियसली बता रहा हूँ। 3 प्लेट खाया मैंने। और जो सबसे बेस्ट पार्ट है इसके ऊपर जो उड़िया कहूँ इडली घुगनी घुगनी ऊपर लंका गुंड जीरा गुंड जीरा गुंड और लाल ब्लैक सॉल्ट कौन सा सॉरी ब्लैक सॉल्ट एंड चटनीटा अल्टीमेट घुगनी ऊपर धोला चटनी नड़िया सुपर। और एक प्लेट पे बस 10 रुपए और टोटल 10 रुपए। और वी हैड लाइक वी हैव 5 पीपल इन हियर एंड देन वी हैड आई हैड घुगनी इडली घुगनी 2 टाइम्स एंड 1 एक्स्ट्रा प्लेट ऑफ घुगनी बाकी सब कुछ खाई ले द टोटल वॉज 100 रुपीज। इट वॉज अमेजिंग यू नो आई कैन ईट इट ऑल। थैंक यू सुपर सुपर फूड। कभी कभी तो अच्छा काम भी कर लिया। भाई नोट ये हाई कह दियो चटनीटा ते खाई भल होता सेटा जो ओडिया नड़िया बकवास कर रहा है। ये जो जगह है एक्चुअली वो ये अंदरपुर का जो ब्रिज है मतलब जो फ्लाईओवर है उसके नीचे ही है। और ये स्पेशली यहाँ पे बस इडली ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। इडली और घुगनी मिलेगा। और हम लोग अभी पहुँचे हैं 9 बजे तो 9 बजे तक इनका स्टॉक इज समवट अराउंड गुड एनफ। कितना भीड़ है आप लोग देख सकते हो मुझे काफ़ी भीड़ है। टू गुड फूड टू गुड अल्टीमेट अल्टीमेट शुड ट्राई। बॉब सुकुम कौन है? अच्छा ये कल एक्चुअली मुझे पिंग किया था इंस्टाग्राम में, मुझे बोला था कि वो यहाँ पे आएगा लेकिन एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि इतने सारे फ्रेंड्स यहाँ पे आने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो सो मच। और अजगर तुम लोग तो रोज आते जाते हो, रेगुलर है रेगुलर है। तो ये लोग सब भद्रक से ही हो ना? सब भद्रक से ही हैं। और हम तीनों सोरो से हैं। अच्छा सोरो से अक्षरों से। अच्छा थैंक यू सो सो मच। और अभी हम लोग साथ में ही अंदर जा रहे हैं और थोड़ा गेट टुगेदर होगा, थोड़ा मस्ती करेंगे।
अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं भुवनेश्वर के लिए। हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हम लोग भद्रक होके जाएंगे भुवनेश्वर। अभी अरे यदि भद्रक की बात है, वी कैन हैव लंच इन दैट पाणिकोली पूर्व जो ओडियाणी ओडियाणी राइट राइट सॉरी गाइस आई हैव टू गो इवन आई हैव टू गो तो वी विल हैव लंच एट आवर होम होम लेट्स गो होम। लेकिन भद्रक होके हम लोग जाएंगे अभी क्योंकि सुनने में आया कि भद्रक की तरफ से जो रास्ता है बहुत अच्छा हो गया है। तो अभी जाने के टाइम हम लोग और इस तरफ से नहीं जाएंगे, अंधेपुर के नहीं जाएंगे, जाने के टाइम भद्रक होके जाएंगे। इट्स 12:30 नाउ और अभी जस्ट आके हम लोग पहुँचे हैं भद्रक में और यहाँ पे रुके थे पेट्रोल फ्यूल अप करने के लिए। तो पता चला है कि सुमन के गाड़ी में पंचर हो गया है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत स्टाइल मार दिया था लास्ट टाइम आशीष का हुआ था और इस बार सुमन का हुआ है। तो फिलहाल हमारे पास पंचर किट है, हम लोग खुद कर लेंगे यहीं पर और यहाँ पर प्रेशर देने के लिए भी है। तो देखते हैं कैसे कहाँ पर पंचर हुआ है। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम ग्रैंड पिट स्टॉप रे चक्री भाई आई ट्रेन पीपल हाउ टू यूज दिस थिंग। लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे तू ज्यादा यूज नहीं करता, हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। यस सुमन 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 गाड़ी ओले पर चले चलने जा अभी हम लोग चंडीखोल के आसपास ही पहुंचे थे कि वापस सुमन का जो बाइक है वापस पंक्चर हो गया है और सुमन का मन बहुत दुख है। नहीं मैं दुख नहीं हूँ, अरे ऐसे हादसे होते रहते तो अच्छा लगता है ना, ट्रिप लगता है। ट्रिप थोड़ा गौर से देखो, मेरा एक तो वायर निकल गया था, कुछ नहीं हुआ, एक तो वायर नहीं निकला, पंक्चर हुआ। पंक्चर हुआ है ना, पंक्चर हुआ और यहाँ पे थोड़ा पंक्चर रिपेयर करेंगे फिर निकलेंगे भुवनेश्वर के लिए। हम लोग को लगा था कि एक ही जगह में पंचर हुआ है लेकिन एक्चुअली दो दो जगह में पंचर हुआ है काफी, और हम लोग अभी इंस्पेक्शन कर रहे हैं और भी पंचर निकल चुके हैं। मेरे पास सिलेंडर नहीं है, बाकी सब चीज सिलेंडर इसके पास है। मेरे पास सिलेंडर है, आपके पास उसका एडाप्टर है? एडाप्टर है, यहाँ अभी नहीं लिए हुआ, नेक्स्ट टाइम से कैरी करेंगे भाई, देख लिया आज। लेकिन सिलेंडर नहीं है मेरे पास, एक बार पानी मार के देख लो भाई वहाँ से। तो प्रॉब्लम सॉल्व।
सो सुमन का बाइक वापस पंचर हो गया है और अभी हम लोग कावासाकी भुवनेश्वर में आए हैं, यहाँ पे बाइक रख लेंगे। एक्चुअली दिस इज द सेम टायर जो जिससे मैं लद्दाख किया था और वो टायर मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है। अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं बर्न आउट करके इसको भी वेस्ट करूंगा एंड देन आई विल पुट ऑन अ न्यू बट तो ये तेरा जो सपना था कि तू बर्न आउट करेगा हो जाएगा। मेरा एक दोस्त मेरे साथ गया हुआ था वो निंजा 1000 पे था। अच्छा, तो उसका गाड़ी में अच्छा टायर है। अच्छा, तो मेरा बहुत अच्छा है अभी, और 3-4 हज़ार किलोमीटर चले खत्म हो जाएगा ना। नहीं, तो अभी प्लान ये है कि हम लोग टायर सॉरी गाड़ी यहीं पे रख लेंगे और वो नया टायर लगा के फिर गाड़ी को ले लेगा यहाँ से और सुमन समर के साथ चला जाएगा घर। तो फिलहाल यही प्लान है। इट्स 2:30 PM ना और अभी जस्ट आके पहुंचा हूं मैं घर। आते आते आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सुमन का बाइक आप लोग देखे होंगे 3 बार पंचर हो गया, एक भद्रक में हुआ और दूसरी बार हुआ चंडीखोल में, थर्ड टाइम वो भुवनेश्वर कावासाकी में हुआ। तो फाइनली हम लोगों ने गाड़ी छोड़ दिया भुवनेश्वर कावासाकी में, उसमें एक नया टायर लगेगा। तो आज का राइड बहुत अच्छा था और बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो आज चाय बिस्किट आए थे, उनमें से एक दो बंदे जोड़ा से भी आए थे मुझसे मिलने के लिए। बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ इतना प्यार देने के लिए। उसके अलावा जब हथगढ़ डैम में हम लोग पहुँचे तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वहाँ पे इतने सारे बंदे हम लोगों से मिलने के लिए आए होंगे। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी मिली आज और कितना खुशी होता है जब मैं ऐसे देखता हूँ लोगों का जो अनकंडीशनल वाला जो प्यार मिलता है, मुझे कितनी खुशी होती है आपको मैं मतलब बयान नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए। मैं कोशिश करूंगा और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और भी बेहतर जगह में जाने के लिए, नए नए जगह आपको एक्सप्लोर करके दिखा सकूं। सो थैंक यू सो मच गाइस, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ी सी खुशी आपको मिली होगी इस वीडियो से, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, उनको भी थोड़ा खुश कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। राइड सेफ, राइड विद गियर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। गधे से घोड़े में बैठ गया। बंदा चाय बिस्किट में एक बंदा चाय बिस्किट में प्रॉमिस किया था, खाती भाई अभी तुम में मुंह संगर जी खाती भाई कुआड़े पोछर स्वीप ये बाबू आगे रे पानी गई खाती भाई आज आप और मैं दोनों साथ में चलेंगे, वो लोग तो आगे जाएंगे, साला लीड ये कर रहा था। सो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, यहाँ पे मैं एक बार पहले आया था और आज भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और ज्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि पीछे बहुत सारे बंदे हैं ब्यूटीफुल पीछे। ये पूरा जोश खाई के अच्छी हला रोडोट हो गए और इसने एक्चुअली यहाँ पे बाइक अलाउ नहीं है, मतलब लोकल लोग के लिए अलाउ है, मतलब जो टूरिस्ट लोग हैं उन लोगों के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन ये भाई ने किया सेटिंग करके अंदर हमको बाइक के साथ हमको अलाउ कर दिए इसके वजह से। थैंक यू सो मच। और हाँ, भाई के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? ठीक, बाय 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 बाय। फैन फॉलोइंग बहुत है भाई का, फैन फॉलोइंग बहुत है। बहुत खुश हो रहा हूँ मैं जान के, बहुत खुशी हो रही है। इसकी लज्जो 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 डिंपल।